तो वहां पे भी आप ट्रेड लगा सकते हो। नो 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 ओ बिल्कुल एंड मोमेंट पे, बिल्कुल एंड मोमेंट पे। Hi guys, welcome back to my channel. This is your boy Desi Trader, या फिर आप मेरे को कबीर खन्ना के नाम से भी जानते हो। और आज की इस वीडियो में येट अगेन मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी और सिंपल स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जिसको आप यूज़ करके काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज लुक एट दिस वीडियो एंड वॉच इट टिल द एंड। आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप एंड तक देखोगे, क्योंकि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है ना यार सारी, वो एक एक सिंगल सिंगल हमारे ट्रेड्स में होती है। अगर आप फुल उसको देखोगे, उसको एनालाइज करोगे और फिर अपना एनालिसिस भी लगाओगे मार्केट में, तो आपकी फॉर श्योर गारंटी है कि आप विन करोगे मार्केट में। इसमें कोई भी दो राहें नहीं हैं। अगर आपका एनालिसिस सही होगा, आपको मार्केट की समझ है, तो आप प्रॉफिट्स बना सकते हो और ये वीडियो आपको उसी में हेल्प करने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भी मैं आपको बता दूँ कि आपको ये सब कुछ अगर डरावना लग रहा है और आप ट्रेडिंग में फिर भी एंटर करना चाहते हो, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करोगे, वहाँ पे मैं हर रोज़ फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, एवरी सिंगल डे फॉर एब्सोल्युटली फ्री। ऑल यू हैव टू डू इज लुक एट दोज ट्रेड सिग्नल्स एंड प्लेस देम ऑन योर पॉकेट ऑप्शन, ऑन योर एक्सपर्ट ऑप्शन, जहाँ पे भी आप ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे पुट इन कीजिए और आप प्रॉफिट्स बना सकते हो। दैट्स सिंपल, ठीक है। तो आज की वीडियो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। लेट्स गेट इट गोइंग। आज हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं 22,000 रुपए से और इसको हम कर देते हैं सेट। ओके, गोल्ड पे आज पैसे लगाने वाले हैं फिर से। 78% हमारा जो रिटर्न रेट है, 1.5 मिनट्स या फिर 1 मिनट पे अभी चेंज हो गया, वहाँ पे मार्केट रखेंगे। कैंडल्स हमेशा की तरह हमारी 5 सेकंड्स पे रहेंगी। आगे कर लेते हैं इसको और इंडिकेटर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। आज के हमारे इंडिकेटर्स रहने वाले हैं RSI, वन ऑफ द ईजिएस्ट और सिंपलेस्ट इंडिकेटर्स टू यूज़। इसकी विड्थ हम कर लेंगे ओवरसोल्ड की 3 पे। ओवरबॉट के रंग को मैं चेंज कर रहा हूँ, आपको रंग चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं फॉर द सेक ऑफ इट कर रहा हूँ। ओवरबॉट हम 65 पे कर रहे हैं, ओवरसोल्ड को हम 25 पे कर रहे हैं, पीरियड हम 7 पे कर रहे हैं। कलर चेंज किया है, करना है करो, नहीं करना मत करो, अप्लाई कर देंगे। फ्रैक्टल्स हमारा दूसरा इंडिकेटर्स रहने वाला है। यहाँ पे कुछ भी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है फ्रैक्टल्स में, और काफ़ी इजी इंडिकेटर्स हैं। फ्रैक्टल्स हमें शो करता है कब हमारी एक अपवर्ड ट्रेंड शुरू होने वाली है, कब हमारी डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होने वाली है। और हमारा जो RSI इंडिकेटर है वो हमें दिखाता है मार्केट की ओवरसोल्ड चल रही है या फिर ओवरबॉट चल रही है या फिर नॉर्मल चल रही है, कहाँ पे बाउंस बैक आ सकता है, कहाँ पे हम रिवर्सल आ सकता है। तो इसी को देखते हुए मार्केट को एनालाइज करते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो पहला ट्रेड हम लगाएंगे बाय पे। बाय पे क्यों लगा रहे हैं? फ्रैक्टल्स ने ऑल दो हमारे नहीं शो किया है, वहाँ पे हमारा एक रेड एरो आना चाहिए था फ्रैक्टल्स का, बट अभी आया नहीं। बल्कि ऑन द अदर हैंड हमारा फ्रैक्टल्स ने एक डाउनवर्ड का एरो ज़रूर दिखा दिया, ग्रीन एरो वहाँ पे आ चुका है। पर यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट चल रही है और उस हिसाब से मैंने RSI को भी देखा कि हमारी जो मार्केट है ओवरबॉट कंडीशन में चल रही है। पर मेरे हिसाब से कि मार्केट जो है पहले भी इतना ऊपर जा चुकी है और इसके लेवल्स अभी जो है राइज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने देखते हुए यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड में उसको लगाया है, ट्रेड को लगाया है, जिसके साथ मेरे को ये श्योरिटी आई कि भाई जो भी मार्केट जो है ओवरबॉट में भी चल रही हो ना, पर आपका एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड है तो वहाँ पे भी आप ट्रेड लगा सकते हो। तो यहाँ पे अभी ट्रेड हमारा क्लोज हो गया, 22,275 रुपये हमने लगाए थे और ऑलमोस्ट हमारा 40,000 रुपये बन चुका है। दिस इज़ हाउ मच, 17,000 वर्थ का हमारा प्रॉफिट बन चुका है। तो काफ़ी अच्छा हमारा ट्रेड रहा पहला। सिंपल इंडिकेटर्स हैं और इनको फिर से यूज़ करके देखते हैं कि हम कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं।
दूसरा ट्रेड हमारा होने वाला है वो हम लगाएंगे 30,000 रुपये का और इसको हम लगा देंगे बाय पे। अब बाय पे क्यों लगा रहे हैं, डाउनवर्ड हमारा ट्रेंड चल रहा था, पर यहाँ पे RSI इंडिकेटर को देखिए, वहाँ पे हमारा जो है मार्केट जो है ओवरसोल्ड पे जा रही है और यहाँ पे हमारे एक बाउंस बैक आना चाहिए, क्योंकि हमेशा जब भी हमारा मार्केट ओवरसोल्ड जाता है वहाँ पे जब नीचे टच कर लेता है ऊपर फिर एक बाउंस बैक आता है हमारा, जो कि आप देख सकते हो क्लियरली वहाँ पे अभी बाउंस बैक हो रहा है और हमारी कैंडल्स भी ऊपर को एक मूवमेंट शो कर रही है। फ्रैक्टल्स ने भी हमें साइन दे दिया है कि एक अपवर्ड ट्रेंड भाई शुरू हो गया है, यहाँ पे एंट्री ले लीजिए, आपके प्रॉफिट बन जाएंगे। और उसी की बात सुनते हुए हमने यहाँ पर एंट्री ली हुई है, हम सेफ चल रहे हैं। कैंडल्स ऑल दो हमारी थोड़ी सी नेगेटिव थी पर ट्रेड क्लोज हो गया, हमें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 30,000 रुपये लगाए थे और हमने 22,800 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, गिविंग अस 52,800 रुपये। तो बहुत अच्छा ट्रेड रहा सेकंड ट्रेड के लिए और मतलब काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सेशन जा रहा है, काफ़ी स्मूथ है। देखते हैं ये ऐसे ही स्मूथ चलता रहेगा या फिर थोड़ा सा बम्पी होने वाला है आगे। ओके थर्ड हमारा ट्रेड यहाँ पे होने वाला है 40,000 रुपये का, जिसको हम लगाएंगे सेल पे। अब सेल पे क्यों लगा रहे हैं, मार्केट जो थी हमारी वो ओवर बॉट कंडीशन में जाने वाली है, जहाँ पे एक मेरे हिसाब से रिवर्सल आएगा जो कि शुरू हो गया। काफ़ी अच्छी ये मूवमेंट मैंने स्पॉट की यहाँ पे, ऑल दो हमारी कैंडल कुछ और कह रही है, बट मैं काफ़ी श्योर हूँ कि मार्केट नीचे जानी चाहिए इन द नेक्स्ट कमिंग मिनट और लाइक 40 seconds दैट वी हैव लेफ्ट। बट नेगेटिव कैंडल, नीचे आओ 30 seconds। ओके थोड़ा सा मैं यही बात को डर रहा था बट नहीं, 20 seconds हमारे पास फिर भी हैं, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहने नहीं दे रही है मार्केट, प्लीज नीचे आओ। नो स्टॉप। बिल्कुल एंड मोमेंट पे, बिल्कुल एंड मोमेंट पे। अभी बोल के हटा था, देखते हैं स्मूथ रहता है या फिर बम्पी होने वाली है हमारी राइड। और काफी ही ज्यादा उछाल आ गया मार्केट में तो मेरा दिल अभी अगर आप सुन सको तो बहुत ज्यादा तेज बीट कर रहा है, क्योंकि मेरे को लग रहा था यहाँ पे हम पैसे लूज कर गए, पर नहीं, हमने प्रॉफिट बना लिया। ओके तो पिछला ट्रेड भूलते हुए अगली ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। 46,000 रुपये के दो ट्रेड्स मैंने लगाए हैं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर एंड सिंपल ये एक्सप्लेनेशन मैंने काफ़ी बार दिया RSI के साथ कि मार्केट जो है जब नीचे ओवरसोल्ड की लाइन को टच करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट गोज़ अप, कई बारी ओवरसोल्ड में डाउनवर्ड ट्रेंड चलता रहता है। और यहाँ पे तो भाई क्या ब्यूटीफुल ट्रेंड चला है ऊपर वाला, देख रहे हो आप कैंडल्स कितनी अच्छी ऊपर गई हैं, मज़ेदार। तो ओके मेरे हिसाब से तो हम प्रॉफिट में हैं, इजी प्रॉफिट में है यहाँ पे, हमें कोई डरने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने 46 और 46 की ट्रेड प्लेस की थी 92,000 और हमारा प्रॉफिट होगा 1,61,000 और यहाँ पे हम काफ़ी सेफ पोजीशन में हैं, कोई डरने की बात नहीं, काफ़ी इजी था ये ट्रेड प्लेस करना और उसका हमने फ़ायदा उठा लिया है। 52,000 रुपये लगाए थे और हमने 1,60,000 रुपये बना लिए हैं, रियली वेरी नाइस, रियली वेरी स्मूथ। पिछला ट्रेड भी इतना स्मूथ होता भाई क्या मज़ा आया था, पर यही ट्रेडिंग है, रिस्क भी है बट उसके साथ पैसा भी है फिर, ठीक है ना। तो अगली ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। आखिरी ट्रेड हमारा, देखते हैं सिंपल रहेगा या नहीं। यहाँ पे मैंने 46,000 की फिर से दो ट्रेड्स प्लेस की हैं और
डाउन पे प्लेस की हैं, क्योंकि मार्केट जो था हमारा ओवरबॉट में काफ़ी देर से चल रहा था और काफ़ी एक हेल्दी सा अपवर्ड ट्रेंड चला था, पर यहाँ पे अब टाइम है रिवर्सल का। भाई आज कैंडल्स कितनी अच्छी चल रही हैं, कैंडल्स देख रहे हो आप, बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी ब्रेंट ऑयल पे, वहाँ पे कैंडल्स इतनी ज़्यादा छोटी थी, और अभी गोल्ड पे आके ये कैंडल्स को देख रहा हूँ। तो काफ़ी मज़ेदार है कि हमारी जो मार्केट है कैसे मार्केट्स जो हैं डिफरेंट कैसे वर्क करती हैं, काफ़ी एक्साइटिंग है अगर आप सीखना चाहो तो, राइट। तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमारा चल रहा था और काफ़ी अच्छा और स्मूथ यहाँ पे चल रहा है, हम सेफ पोजिशन में हैं, कुछ ही सेकेंड्स बाकी हैं तो वेट करेंगे। और वेट ख़त्म हुई, हमने एक और 1,60,000 रुपये बना लिए हैं। ऑब्वियसली हमने पुरानी भी इसमें इन्वेस्टमेंट डाली थी, तो हमारा रियल अमाउंट अभी 2,30,000 रुपये है। दैट मीन्स हमने अपना इनिशियल अमाउंट जो स्टार्ट किया था उसको 10x कर लिया है अभी। तो 5 ट्रेड्स में अपने अमाउंट को आप 10x कर सकते हो सिंपल इंडिकेटर्स के साथ। ट्रेडिंग सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। गाइज आज का ट्रेडिंग सेशन तो हमारा काफी अच्छा रहा, हमने 22,000 रुपए लगा के 2,30,000 रुपए तक गए हम। दैट इज 10xing द अमाउंट ऑफ आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि हमने सिर्फ 5 ट्रेड्स में कर दिया। तो मतलब देखो आप कि कितना बढ़िया आप पैसे कमा सकते हो अगर आप सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हो, सिंपल स्ट्रैटेजीज को भी अप्लाई करते हो और अपना एनालिसिस पॉइंट पे रखते हो, ठीक है ना। तो यार अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि मेरे को पता लग जाए कि आपको हाँ भाई वीडियो अच्छी लगी है। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे देना, अपने कमेंट्स छोड़ देना, अपने व्यूज़ छोड़ देना, अपने थॉट्स छोड़ देना, मार्केट के बारे में क्या कर रहे हो आप आज मार्केट में, वो सब कुछ भी। और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ नया करूं वीडियोस में, या फिर कोई रिकमेंडेशंस हैं, वो भी आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देना यार इस चैनल को, मेरे लिए बहुत मोटिवेशन रहती है कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मेरी फैमिली बढ़ रही है, टेलीग्राम पे भी मेरी कम्युनिटी बढ़ रही है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ आपको पता लग जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाओ। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और लेट्स एंड इट ओवर हियर।